नालागढ़ के भगेरी में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी प्रबंधन द्वारा चालकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखने को लेकर ट्रक चालकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। हिमाचल मोटर चालक संघ के बैनर तले इस प्रदर्शन में ट्रक चालकों द्वारा भगेरी सीमेंट कंपनी के गेट पर रोष प्रकट किया गया। ट्रक चालकों का कहना था कि भगेरी स्थित पार्किंग ग्राउंड कच्चा होने के कारण उड़ रही धूल से चालकों को सांस संबंधी बीमारियां लगने के साथ ही बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इनका कहना था कि बघेरी में रेस्ट रूम न होने से तो प्लांट के बाहर कोई शौचालय न होने से उन्हें मजबूरी में ठंड के मौसम में खुले में जाना पड़ता है। चालक कहते हैं कि कई कई घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब ड्राइवर माल लेकर प्लांट पर पहुंचता है तो प्रबंधन के कर्मचारी उससे दुर्व्यवहार करते हैं। ट्रक चालकों का कहना था कि सीमेंट प्रबंधन अनदेखियों के चलते चालक पिछले कई वर्षों से चुप रहे, लेकिन अब ड्राइवर शांत नहीं रहेंगे। एक तड़फा तड़फा के जो है मार रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों का बहुत शोषण किया जा रहा है यहाँ पर जो है, ना तुम्हारी कंपनी, ना प्रशासन, ना प्रदेश सरकार 1% भी ड्राइवर को सोचने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। यहाँ पर हमें जो है पिछले 12 सालों से जो है रेस्ट रूम नहीं बनाया गया है, क्योंकि गर्मियों में गाड़ी के अंदर 40 से 50 डिग्री का टेम्परेचर बनता है। क्या लगता है उसमें जो है गाड़ी में बैठ सकते हैं आप? ये खुद तो जो है अंदर एसी की रूम में बैठते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करने आते हैं, लेकिन जो ड्राइवर 24 घंटे गाड़ी लेके आएगा, थका हारा बेचारा आएगा, वो जो है 50 डिग्री के टेम्परेचर में क्या लगता है सो पाएगा? रेस्ट रूम में हम सभी ड्राइवर भाइयों को नहीं दिया गया है। साथ ही पिछले 12 सालों में हमारे लिए सस्ते और अच्छे खाने की कैंटीन की व्यवस्था इनके लोगों के द्वारा मुहैया नहीं करवाई गई है। साथ ही हम लोग जब गाड़ियाँ जैक के ऊपर खाली करने जाते हैं ऊपर, आप एक बार वहाँ पर जाके देखें ग्राउंड जीरो पे, वहाँ पर जो है इतनी धूल है कि जब जैक से गाड़ी जो माल उतरता है पूरा ड्राइवर जो है सीमेंट से उस केमिकल वाली धूल से पूरा जो है वहाँ ख़राब हो जाता है। तो क्या लगता है जब ये केमिकल वाली धूल उसके अंदर आएगी? एक तरफ ये लोग बात करते हैं कि हम लोग जो है ड्राइवरों को सुरक्षा देना चाहते हैं, आप पीपी किट पहन के ड्राइवर जो है गेट के अंदर एंटर करें, क्या वो ड्राइवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ पर जो है जो धूल केमिकल वाली ड्राइवर के अंदर जा रही है उसके अंदर उसको क्या पता है 10 साल के बाद उसको टीबी हो जाएगी, उसको जो है एलर्जी हो जाएगी, वो काम करने का काबिल नहीं रहेगा। ये सब जिम्मेदारी इन सभी की ये जिम्मेदारियाँ बनती हैं। मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम सभी को लगातार आश्वासन दिए गए हैं, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है, और इस तरह से ड्राइवरों का शोषण नहीं चलेगा। ड्राइवर अब अपनी जो है ताकत समझ चुका है, ड्राइवर जागरूक हो चुका है, और अब ये है कि यहाँ पर ये लोग जो है मशीन से गाड़ियाँ हमारी खाली कर रहे हैं। मशीन से जैसे गाड़ियाँ खाली करते हैं वहाँ पर ये लोग जो है ना तो कोई हेल्पर है वहाँ पर, कनेक्टर को जाने के लिए लोग मना करते हैं कि अंदर कनेक्टर नहीं जाएगा ड्राइवर के साथ। वहाँ पर इन लोगों ने ना तो कोई हेल्पर रखा है जो कि गाड़ी के बत्ते फट्टे डाला खोलने में और लगाने में जो है हेल्प करवाए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 कर्मी इन्होंने रखे हैं सफाई करने के लिए। साथ ही वहाँ पर जो कंपनी के लोग हैं जो गाड़ियाँ खाली कर रहे हैं मशीन के अधिकारी और साथ में जो सफाई कर रहे हैं वो भी पैसे लेते हैं ड्राइवरों से। अगर ड्राइवर पैसा ना दे तो वहाँ पर जो है ये लोग उस गाड़ी में 3 से 4 क्विंटल माल देते हैं, उसका फर्श फाड़ देते हैं, और वहाँ पर जो है ड्राइवर को खुद जो है 2-3 क्विंटल क्लिंकर जो है उतारना पड़ता है। क्या लगता है ड्राइवर जो है देश का नागरिक नहीं है? ड्राइवर से ये लोग जो है लेबर का, कूली का, मजदूरी का, हर तरह का काम करवा रहे हैं। इसके आगे क्या चाहेंगे? आपकी ड्राइवर मर जाए? जिस ड्राइवर के दम पे जो है आज ये कहते हैं कि अल्ट्राटेक देश की नंबर 1 कंपनी है, जिस ड्राइवर के दम पे जो है मालिक के खाते में एक एक पैसा जाता है, क्या उस मालिक उस ड्राइवर के घर में कोई परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं है? हमारे उस्ताजी के साथ पीछे से घटना हुई यहाँ पर, इनकी आँख में जो टायर फट गया, यहाँ पर आँख में लग गई। इन लोगों ने यहाँ पर एक एम्बुलेंस तक इनको मुहैया नहीं करवाई। इनके अंदर इंसानियत नाम की 1% भी चीज़ नहीं है। आज ये देख नहीं पाते एक आँख से, क्या सभी इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर एक तरफ ये बात जो है सिर्फ बात कहते हैं कि हम ड्राइवरों को सुरक्षा देना चाहते हैं, तो ये 0% बात कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, अगर सुरक्षा की बात इन्होंने की होती तो 2 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर ये लोग जो एम्बुलेंस देते और ड्राइवर साथी को जो वहाँ पर हेल्प करवाते। इस ड्राइवर साथी ने जो है पूरा अपने जेब से खर्चा किया, वहाँ पर जो है PGI में जाकर इलाज करवाया। आज बंदा एक आँख से अंधा है, ये बोलते हैं कि मेरे घर में जो छत तक नहीं है वहाँ पर डालने के लिए। क्या इसके लिए ड्राइवर यहाँ पर आया है हम लोग? मैं बोलता हूँ इस तरह से ड्राइवरों का शोषण बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ड्राइवर के दम पे ही सब कुछ है, देश की 70% अर्थव्यवस्था जो है ड्राइवर के दम पे चली है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।